बैठिए। अभी अभी हमारे मिसा बलिदान के समय पर वो मिसा बलिदान का परम प्रसाद स्थापना विधि के वचन, परम प्रसाद स्थापना विधि के वचन का प्रार्थना के बाद एक प्रार्थना है। हे प्रभु, तेरे आदेशानुसार हम भी तेरे दुर्बल दीनहीन सेवक तेरे सान्निध्य में एकत्रित हुए हैं। तूने हम पर इतना उपकार किया है जिसका उचित धन्यवाद देना हमारे लिए असंभव है। उसके बाद बहुत बड़ा रहस्यमय बात लिखा है। तेरी ईश्वरीय जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मनुष्य स्वभाव अपनाया। सब लोग दोहराइए, तेरे ईश्वरीय जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने हम पतितों का उद्धार किया, हम मृतकों को जीवित किया, हम पापियों को पवित्र किया, हम अपराधियों को मोचित किया, तूने हमारे बुद्धि को आलोकित किया, शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपनी प्रचुर कृपा से अलंकित कर दिया। यही सबसे बड़ा सुसमाचार। तो हमें रहस्य जानना चाहिए, ईश्वर इम्मानुएल बना, मैं पापी उसका बेटा बना। कहिए, ईश्वर इम्मानुएल बना, मैं पापी उसका बेटा बहना। चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पकिया विश्राम, सूली पकिया विश्राम। हम ये रहस्य मैं बात में प्रभु ईसा में विश्वास करने द्वारा, जो कोई प्रभु ईसा में विश्वास करने से, वो विश्वास का मकसद क्या है, वो विश्वास क्या है? हमारा विश्वास का रहस्य है
हम विश्वास मंत्र में बताते हैं कि पिता में विश्वास किया और पुत्र में विश्वास किया बोलने समय ये पुत्र मनुष्य बन गया, कुंवारी मरियम द्वारा शरीर धारण किया। सब लोग थोड़ा हाथ, नींद आता है क्या? नींद आने से हमारे साथ ऐसा है क्या मालूम है? कैसे करेगा? राज्य में बैठा लोगों से एक ठेक तपटेगा, क्या मालूम है? क्या मालूम है? तुम ईश्वर का मंदिर है, इधर बैठ के सोना मत। समझ गया ना? सबको जी, सबको उठाने क्या ऐसा है कि मार मार के, तुमको मालूम है? क्या मालूम है? क्या मालूम होना चाहिए? तुम ईश्वर का मंदिर है, ईश्वर तुम्हारे हृदय पर है, इसलिए इधर बैठ के सोना नहीं है। ओके, सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु ही सुसमाचार है। प्रभु यीशु ही हम लोग सोचते हैं कि समाचार पत्र, मतलब जो अखबार समाचार, समाचार मात्र यही है, सुसमाचार मात्र यह है। सबसे बड़ा सुसमाचार यह है कि ईश्वर मनुष्य बन गया। अभी गहराई गहराई से पढ़ना चाहिए, यह सब एक कैटेगरी में लिखा है, वही बात हम ये मिसा बलिदान का प्रार्थना द्वारा मैं बताता है, मतलब तो हमारे साथ एकदम बराबर। यही सबसे बड़ा बाइबल, बाइबल बाइबल जैसा ही है ये मिसा बलिदान का सब प्रार्थना। तो इसमें लिखा है, तेरी ईश्वरीय जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। इसका मतलब यह है, ईश्वर शरीर धारण किया, वो कहां से मिला उनका शरीर? उनको शरीर कहां से मिला? उनको शरीर कहां से मिला? तो ये एक रहस्य है, एक विस्मयनीय बात है। प्रभु ईसा मसीह संसार के शुरू में ईश्वर का वचन के रूप में पिता परमेश्वर के साथ था। वही योहन का सुसमाचार अध्याय एक, एक अध्याय एक, एक क्या लिखा है? आदि में वचन था, आदि में वचन था, आदि में शब्द था। देखो बाकी सब बाइबल में वचन लिखा है, लेकिन हमारे हिंदी बाइबल में सच बहुत अनोखी रीति से लिखा है, आदि में शब्द था, आदि में शब्द था, आदि में वजन का बोलेगा तो कोई कागज में लिखा हुआ ऐसा लगता है ना, ये लिखा हुआ नहीं, आदि में लिखा हुआ नहीं, आदि में क्या था? शब्द था। शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द, सब लोग बोलिए, और शब्द, एक हाथ ऊपर उड़ाते हुए, और शब्द ईश्वर था। देखो उसके बाद क्या लिखा है, अभी शब्द ईश्वर था बोला, उसके बाद लिखा है वह, वह मतलब वो शब्द एक व्यक्ति है,
है ना। उसके बाद क्या लिखा है, सब लोग समझ में है ना। वाह वाह वाह, मतलब कौन है वो वाह शब्द, वो शब्द को वह कैसे बोलेगा, क्योंकि वह ईश्वरी है। शब्द वह कौन है, वह पिता परमपिता का पुत्र है, पुत्र ईश्वर, पिता ईश्वर, पुत्र ईश्वर, पवित्रात्मा ईश्वर। वह शब्द ईश्वर था, वह आदि से ईश्वर के साथ था, उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ और उसके बिना कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ। उसी में जीवन था। एक एक स्टेप को बढ़ते बढ़ते जा रहा है। शब्द था, वो शब्द एक व्यक्ति है, वह वो शब्द ईश्वर था, वो शब्द के द्वारा सब कुछ बना। कैसे, ईश्वर ने शब्द दिया। सबसे पहला क्या शब्द आया था, क्या शब्द आया पहले है? सबसे पहले क्या शब्द आया था, प्रकाश हो जाओ। क्या शब्द आया था, सब लोग बोलिए, प्रकाश हो जाओ, और प्रकाश हो गया। शब्द तो ईश्वर ने सब कुछ बनाता है, कैसे बनाता है, शब्द से। इसलिए सुसमाचार के समय पर प्रभु का सुसमाचार हम लोगों को फटने नहीं देता है, यहां से घोषणा करता है। पुरोहित ओ सुसमाचार का ग्रंथ अपने मुंह पर ऐसा पकड़ के आता है, क्योंकि यह वजन ईश्वर का मुंह है, ईश्वर का मुंह। और मुंह खोलेगा, शब्द आएगा, वो शब्द वैसा ही होगा, जो शब्द में आएगा वह जरूर होगा। वो शब्द कौन है, पुत्र ईश्वर, पुत्र ईश्वर। और अध्याय मत्ती अध्याय सॉरी योहन का सुसमाचार अध्याय 1:14 पर लिखा है, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। शब्द शरीर धारण किया, एक महान रहस्य है। ये शब्द को शरीर कहां से मिला, किसका शरीर है, हमें मालूम है पवित्र माता मरियम के द्वारा शरीर धारण किया, पवित्र आत्मा का कार्य था, पवित्र आत्मा जीवन दाता है, पवित्र आत्मा कुवारी मरियम का गर्भ में प्रभु येशु
ईसा मसीह को शब्द शरीर धारण करा के जन्म दिया। वो ईसा मसीह में समस्त मानव वो ईसा मसीह का शरीर पर है। ये आप विश्वास करता है क्या? थोड़ा मुश्किल है ना, थोड़ा मुश्किल है। यही है सुसमाचार। इधर ये किताब में ये सब लिखा है, ये थोड़ा पढ़ना। इसका नंबर मैं बताता है, थोड़ा थोड़ा आपको इंग्लिश मालूम है, आप पढ़ना चाहिए सब। 526 कैथोलिक 526 क्रिसमस सबको मालूम है ना। क्रिसमस इज फुलफिल्डनेस। क्रिसमस इज द मिस्ट्री ऑफ दिस मार्वलस एक्सचेंज। मतलब क्रिसमस मतलब ईश्वर का शरीर धारण। उसमें क्या हुआ? मार्वलस एक्सचेंज। मतलब एक्सचेंज मतलब क्या है? एक्सचेंज को नहीं बी बार्टर बी ए आर बार्टर। हमारा विलेज में हम लोग कुछ हमारा घर में खेती में कुछ बना तो वो दे के दूसरे को देता है और उन लोग दूसरा आपको देता है, उसको क्या बोलता है? बार्टर सिस्टम बोलता है। मतलब लेना देना ठीक है, लेना देना। आप चावल दिया और उन लोग आपको उसके जगह पर गेहूं दिया। आपका घर में दूसरा कुछ, आपका बगीचा में आपका जमीन पर कुछ तरकारी आलू बना, आप दूसरे को आलू दिया और उन लोग दूसरा कुछ आपको दिया। इसको बोलता है कि लेना देना, है ना, लेना देना। प्रभु का किया, प्रभु उनका ईश्वरीय जीवन हमको दिया और हमारा पापमय अवस्था शरीर उन्होंने लिया। समझ में आया? वही हम अभी ये मिसा बलिदान पर बताया। तेरा ईश्वरीय जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। तूने हमारा मानव स्वभाव कैसे था? बहुत अच्छा था क्या? अभी भी अच्छा नहीं है ना? हमारा मानव स्वभाव आदम का पाप के द्वारा समस्त संसार का मानव स्वभाव पापमय हो गया, आत्मा मर गया। इस अवस्था से हमें बचाने के लिए ईश्वर शरीर धारण करके हमारा पापमय शरीर को उन्होंने ले लिया और उनका ईश्वरीय जीवन हमें दिया। ईश्वर इम्मानुएल बना, मैं पापी उसका बेटा बना। यही है सुसमाचार। अभी हम देखते हैं कि हमारे परिवार में इतना ईसाई धर्म में हम प्रार्थना करते हैं, मिसा बलिदान चढ़ाता है, लेकिन घर में देखो कोई दारू पी के पड़ा है। कितना बार तुमको बोलता है पीना नहीं, वो पीता है।
कितने बार उसको हो जाकर प्रभु के पास पाप स्वीकार करके अभी नहीं और नहीं पिएगा, लेकिन फिर भी पीता है, तो क्या कार्य क्या है उसको? इस प्रभु ईश्वर का अनुभव पूरा नहीं है, अनुभव पूरा नहीं है। मैं बहुत, मेरे अंदर में एक बहुत बुराई था, मैं बहुत सिगरेट पीता था, सिगरेट। बच्चा लो नहीं सुनना चाहिए, बच्चा लो अभी सबको मालूम है, दो तीन नहीं 30 सिगरेट तक मैंने एक दिन पीता। और एक इसको कैसे इससे मुक्ति मिलना चाहिए मुझे नहीं मालूम, मैं बहुत कोशिश किया नहीं हुआ, लेकिन एक दिन मेरे हृदय पर यही वचन जोर से आया, क्या तुम्हें नहीं मालूम तुम पवित्र आत्मा का मंदिर है? हाँ, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? मंदिर मतलब गिरजा का अंदर कोई सिगरेट पीता है क्या? तो मैं इतना सिगरेट पीता है फिर भी गिरजा जाने वक्त गिरजा का बाहर तक पीकर छोड़ देता है, गिरजा का अंदर तो हम नहीं पीता है, क्योंकि हमको इतना ज्ञान है वो तो पवित्र जगह है, वहाँ पर सिगरेट पीना नहीं चाहिए। अभी मुझे कहता है कि क्या तुमको नहीं मालूम है तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है? हाँ, तो मैं सिगरेट पीने से मेरा इस पवित्र आत्मा का मंदिर शरीर को इतना खराबी करता है ना, थोड़ा सा दारू भी पीता था, ज्यादा नहीं थोड़ा, यह सब करने से आखिर में क्या होता है? जो पवित्र आत्मा का मंदिर हमारा शरीर एकदम दुर्गंध कर देता है। पता नहीं उसी दिन से मुझे सिगरेट पीना नहीं सकता है उसी दिन से। सो प्रभु मुझे उस अवस्था से चंगाई दिया, मुक्ति दिया। मेरा कुछ भी कार्य नहीं है, प्रभु पवित्र आत्मा मुझे पवित्र किया। तो हमें ये ज्ञान होना चाहिए, हमारे शरीर प्रभु ईसा मसीह ले लिया और उनका जीवनदायक आत्मा को हमारी आत्मा में मिलाया, यही सबसे बड़ा सुसमाचार। देखो, तेरे ईश्वरीय जीवन में हमें सहभागी बनाया, तेरा ईश्वरीय जीवन में हमें सहभागी बनाया, सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। उसके बाद क्या क्या हुआ सुनिए, तूने हम पतितों का उद्धार किया, मुक्ति हम सब के पापों को मिटाने यीशु हुआ बलिदान। हमारे पापमय अवस्थाओं में कितना भी हम बोलने से, अरे तुमको कितना बार बोला अभी पी के नहीं आने के लिए, अभी कल तुम पी के आएगा तो मैं टंगड़ी तोड़ दूंगा, समझ में आया? हाँ नहीं 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 ठीक है नहीं मम्मी मामा पापा नहीं नहीं पीऊंगा, लेकिन कल शाम को फिर वो दारू पीने गया, अरे कल तुम बोला था
मालूम नहीं शाम को मेरा साइकिल दारू में जाता है, मेरा साइकिल दारू का दुकान में जाता है, क्या मालूम है ना? मुझे नहीं पीना चाहिए, मुझे नहीं पीना चाहिए, लेकिन मेरा साइकिल मुझे लेके जाता है दारू पीने के लिए। अभी नहीं पिएगा, अभी नहीं पिएगा, हाँ कल पीनेगा, पीना नहीं चाहिए, नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं। कल फिर वही है। ये अवस्था को बोलता है हम पदितोम, हमारे अवस्था, हम अपने से ये अवस्था से नहीं बाहर निकल सकता। कौन इस अवस्था से हमको बचाएगा? प्रभु ईसा मसीह, उसको बोलता है मुक्ति। सब लोग बोलिए मुक्ति। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं मुक्ति दिलाइए यीशु ना, शांति दिलाइए यीशु ना, मुक्ति। तो हरेक इंसान में बहुत सारे परेशानियां हैं, लेकिन उसके इंसान का शक्ति से ये मुक्ति नहीं मिल सकता। ये बात ईश्वर को अच्छी तरह मालूम है, इसीलिए हाँ हाँ देखो आज का दूसरा, आज का पहला पाठ में हम लोग सुना ना, आज का पहला पाठ कुरिन्थियों का नाम पत्र में, दूसरा पत्र कुरिन्थियों का नाम दूसरा पत्र में पांचवा अध्याय, कुरिन्थियों का नाम दूसरा पत्र पांचवा अध्याय में यही बराबर लिखा है, और आज का सुसमाचार में यही बताया है, तुम नया जीवन पाना चाहिए, तुम दोबारा जन्म होना चाहिए। दोबारा जन्म कैसे होगा? सो निकोदेमोस कहता है कि दोबारा जन्म कैसे होगा, मैं ये बुढ़ा आदमी क्या माँ का पेट में घुसेगा क्या, है ना? तो प्रभु ने कहा नहीं, आत्मा से, पवित्र आत्मा और वचन के द्वारा तुम एक नया जन्म होना चाहिए। तो दूसरा पत्र कुरिन्थियों का नाम दूसरा पत्र अध्याय पांच में लिखा है, पांच पंद्रह देखिए, पांच पंद्रह में लिखा है मसीह सबों के लिए मरे, सबों के लिए मरे, जिससे जो जीवित हैं वे अब से अपने लिए नहीं बल्कि उसके लिए जीवन बिताए जो उनके लिए मर गए और जी उठे। उसके बाद सत्रहा वजन में पढ़ा लिखा है, इसका अर्थ ये है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गया है तो वह नई सृष्टि बन गया है, नई सृष्टि बन गया है, वही सुसमाचार है। जो कोई प्रभु ईसा मसीह के साथ एक हो गया तो क्या क्या होगा? ये जो यहां पर लिखा है, अगर एक जो प्रभु ईसा मसीह के साथ एक हो गया तो क्या क्या होगा? उनका जीवन का सहभागी बन जाएगा। किसका जीवन का? प्रभु ईसा मसीह का। हमारा शरीर उन्होंने ले लिया, कौन सा शरीर? इस पापमय शरीर। क्यों ले लिया वो बताएगा, क्यों प्रभु ने हमारा पापमय शरीर को ले लिया? अभी देखो क्रूस पर, देखो क्रूस पर ईशो प्रभु यीशु, ये प्रभु यीशु सचमुच वचन है, वो वचन यीशु शरीर धारण किया तो ईसा मसीह बन गया। अभी ई क्रूस में जो शरीर है, ये शरीर
किसका शरीर है? ईसा मसीह का है। लेकिन ये शरीर में कौन है? ये शरीर के अंदर कौन है? ये हम प्रभु ईसा मसीह में विश्वास करने से ये शरीर के अंदर हम लोग सब हैं। समझ में आया? क्योंकि उन्होंने शरीर धारण किया तो समस्त मनुष्य को अपनाया। किस लिए अपनाया? अभी क्रूस पर उन्होंने हमारे पापों के लिए बलि चढ़ाया, उसके बाद मर गया। मर गया तो कौन मर गया? हम सब उसके साथ मर गया, हम सब उसके साथ मर गया। देखो ये सब आज की पढ़ाई है, ये हम आज के लिए खास करके लिया नहीं, यही आज का कलेसिया का वचन। कुरिन्थियों के नाम दूसरा पत्र, मैं ये सुनकर बहुत अच्छा लगा। आज कलेसिया का पाठ यही है और वहाँ पर लिखा है हम लोग प्रभु ईसा मसीह हमारे लिए मर गया। उसका मतलब हम भी उसके साथ मर गया। पांच, दूसरा पत्र पांच, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें प्रेरित करता रहता है। हम यह समझ गए हैं कि जब एक सबों के लिए मर गया तो सभी मर गया, मर गए हैं। एक सबों के लिए मर गया, कौन है वो एक? प्रभु ईसा मसीह सबों के लिए मर गया। तो उनका शरीर पर हम सब लोग हैं, हम भी मर गया। क्यों हम मर गया? हमारा वो पापमय अवस्था को मिटाने के लिए, उसको दफनाया, मट्टी पर मिलाया। लेकिन उसके बाद एक नया शरीर जी उठा, वो है पुनरुद्धित यीशु। तो जो हम लोग उनका शरीर प्रभु यीशु का शरीर पर था, वो शरीर मरा और दफनाया तो हम लोगों का पुराना मनुष्य गया। जैसे ही गेहूं का दाना मिट्टी पर मिलाया वो मर गया। उसके बाद एक नया पौधा एक अंकुरित हो जाता है और एक नया एक क्या बोलता है एक एक गेहूं का नया उत्पन्न होता है, उसमें नया गेहूं है ना। हमारा पुराना अवस्था को प्रभु ने ले लिया और दफनाया। उसके बाद प्रभु जब पुनरुत्थित हुआ तो हमको पुनरुत्थित शरीर मिला। ये पुनरुत्थित शरीर फिर पाप नहीं कर सकता, उसमें पाप नहीं है। और पापमय शरीर को दफनाया, उसके बाद हमको नया शरीर मिला। वही बोला जो जो ईसा मसीह में है उन्होंने एक नई सृष्टि बन गया। इसका अर्थ यही है कि यदि कोई मसीह के साथ एक हो गए हैं तो वह नई सृष्टि बन गया है। पुराने बातें समाप्त हो गई है और सब कुछ नया हो गया है।
आइए थोड़ा सा खड़े होकर स्तुति करते हुए ये बात को थोड़ा अपनाने के लिए कोशिश कीजिए। प्रभु ने हमारा पापमय जीवन को ले लिया और उनका पवित्र जीवन हमको दिया। स्तुति कीजिए, हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। सब लोग यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, तूने हमारा पापमय अवस्था से मुक्ति देने के लिए शरीर धारण किया। हम सबों को आपके शरीर पर अपनाया। हल्लेलुया। एक गीत अभी याद आता है, आप सबों को मालूम है ये गीत। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से प्यारा यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन। अभी इसको समझ कर गाना चाहिए, ये सच्चाई है। हमारा जीवन हम सबों को अपने से नहीं बदल सकता। कैसे हमारा जीवन में बदलाव होगा? जब से प्यारा यीशु आया, यीशु कहाँ आया? हमारा जीवन पर आया। और यीशु क्या किया? हमारा पापमय अवस्था को उन्होंने ले लिया और उनका पवित्र अवस्था हमके दे दिया, तो हमारा जीवन बदल गया। जब से प्यार यीशु आया, मेरा जीवन बदल बदल गया। जब से मैंने उसे पाया, मेरा जीवन बदल बदल गया। ओके, अभी दूसरा नेक्स्ट स्टेप कैसे है ना? ओ, गंदगी नहीं, जिंदगी बोलिए। इस जहां के जिंदगी से मुझे छुटाया जान देकर। इस जहां के जिंदगी से मुझे छुटाया जान देकर। देखो तब क्या हुआ? तब से दिल, मेरा मन, मेरी काया। काया, काया मतलब क्या है? शरीर। मेरी मन, मेरा दिल, काया बदल गया। समझिए, हम हर एक इंसान, इंसान मतलब आत्मा, मन, शरीर। दिल मतलब आत्मा, मन और शरीर, ये संपूर्ण अवस्था को बदलाया। इस जहां के जिंदगी से मुझे छुटाया जान देकर। तब से दिल मेरा मन मेरी काया। तब से दिल मेरा मन मेरी काया। मेरा जीवन बदल बदल गया। अच्छा, अभी क्या हुआ? व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? यहाँ रात का दिन बीत गया है, हुआ सवेरा सुबह तारा। रात का, हाँ हाँ, रात हुआ दिन।
रात का दिन ओके जो भी हो वो हमारा जीवन का जो अंधकारमय अवस्था बदल गया, एक नया सवेरा आ गया, एक नया जीवन आ गया। प्रभु है, प्रभु सुबह तारा है प्रभु ही सब। रात वा दिन बीत गया है, हुआ सवेरा सुबह तारा, इसलिए मैंने ये गीत गाया, इसलिए मैंने ये गीत गाया। जीवन बदल। अभी सब मिलकर गाइए जोर से, जेब से प्यारा। हाँ, थोड़ा सा डांस करते हुए। यीशु आया, मेरा जीवन बदल गया। ने उसे पाया, मेरा जीवन गया। इस जहां के जिंदगी से मुझे छुटाया जान देकर, इस जहां के जिंदगी से मुझे छुटाया जान देकर, तब से दिल मेरा मन मेरी काया, तब से दिल मेरा मन मेरी काया, मेरा जीवन बदल गया। ओके, ये बहुत सुंदर अवस्था है ना। इस ट्यून में दूसरा एक गीत है, ये बिलासपुर में मैं सीखा है, बिलासपुर बात जगह पर, मालूम नहीं है आपको इधर होगा, मैं तो सब जगह पर वो गीत सिखाया था। ये सेम ट्यून है, प्यारे यीशु को पास बुल, यू नो दैट, हाँ, प्यारे यीशु को पास बुला ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले, प्यारे यीशु को पास बुला ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले, 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 प्यारे यीशु को पास बुला ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले, दिल में बसा ले, दिल में बसा ले, दिल में बसा ले, दिल में बसा ले। थोड़ा याद करने दो, एक दूसरा स्टेप्स ऐसा है, सबके मालिक यीशु भगवान, कम ऑन, सबके मालिक यीशु भगवान, उसको धन्यवाद जो दिल का मेहमान, उसको धन्यवाद जो दिल का मेहमान, थर के लगन मस्त मगन नाम सुमर ले, धर की लगन मस्त मगन नाम सुमर। धर की लगन मतलब संसार के ज्योति, धर की लगन मस्त मगन नाम सुमर ले। आइए, सबके मालिक यीशु भगवान, सबके मालिक यीशु भगवान, उसको धन्यवाद जो दिल का मेहमान, उसको धन्यवाद जो दिल का मेहमान, धर के लगन मस्त मगन नाम सुमर ले, धर के लगन मस्त मगन नाम सुमर ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले,
प्यारे यीशु को पास बुला ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले, बुला के प्यार से दिल पाप जाल से हमको बचा ले, पाप जाल से हमको बचा ले, स्वर्ग राज का मार्ग बता दे, स्वर्ग राज का मार्ग बता दे, श्रद्धा है उसे चुन के अपना दोस्त बना ले, श्रद्धा है उसे चुन के अपना दोस्त बना ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले, बुला के प्यार से प्यारे यीशु को पास बुला ले, बुला के प्यार से, बुला के प्यार से, तो क्या होगा सचमुच में जब प्रभु यीशु हमारा जीवन भर क्रियाशील होने से, उनका पुनरुत्थित अवस्था हमारा जीवन पर पाने से हमारा जीवन बदल गया। कैसे बदला मुझ में, कैसे वो मालूम है नहीं, जब मैं यीशु के पास आ गया, कैसे बदला मुझ में, कैसे बदला मुझ में, जब मैं यीशु के पास आ गया, हड्डी दारू पीना मैंने छोड़ा। ओके, बैठिए। तो अभी और एक बार ये पवित्र मिसा का ये प्रार्थना, हम पवित्र मिसा में ये प्रार्थना करते वक्त सचमुच ये हमारे जीवन पर होता है, ये सत्य है, ये हमारे जीवन पर होता है। क्या होता है? तेरे ईश्वरीय जीवन में हमें सहभागी बनाने के लिए तूने हमारा मानव स्वभाव अपनाया। उसके बाद क्या क्या होता है? तूने हम पतितों का उद्धार किया, हम मृतकों को जीवन जीवित किया। मृतकों मतलब हमारी आत्मा जब उल्भा पाप पाप के द्वारा मर गया था, मतलब आत्मा में जीवन नहीं है। तो प्रभु ईसा मसीह हमारे उनका जीवन हमारे आत्मा पर दे दिया, तभी हमको जीवन मिला, पवित्र जीवन मिला। हमारे आत्मा आनंद अवस्था में दोबारा आ गया, वही उसका मतलब। हमारी हम मृतकों को जीवित किया, हम पापियों को पवित्र किया। हमारा पाप से मुक्ति देने के लिए मनुष्य अपने से कुछ भी करने से नहीं मिलेगा, सिर्फ ईसा मसीह द्वारा ही हमारा पाप से मुक्ति होगा। ईसा मसीह, यीशु, यीशु नाम का अर्थ क्या है? यीशु है, यीशु नाम का अर्थ क्या है? तो और एक बार बोलिए, यीशु वो जो पद है एक हिब्रू वर्ड है, हिब्रू यीशु, यीशु मतलब गॉड सेव्स, ईश्वर बचाता है। यीशु जो एक एक शब्द है उसका मत, वो एक हिब्रू शब्द है, हिब्रू इब्रानी भाषा में, इब्रानी भाषा में उसका मतलब यह है कि गॉड सेव्स, ईश्वर बचाता है। अभी
कोई आदमी कुछ भी खराब काम करते तो हम लोग बोले हो प्रभु यीशु उसको कौन बचाएगा। बहुत अच्छा प्रार्थना है, मतलब सिर्फ यीशु ही तुमको बचाएगा। सिर्फ यीशु ही तुमको बचा सकता है, दूसरा कोई तुमको नहीं बचा सकता है। हम लोग बचा लो कुछ खराब काम करने से, हे प्रभु यीशु बचाइए, सच प्रार्थना है। इतना ज्यादा बोलने का जरूरत नहीं, यीशु इतना कहने से उसका मतलब क्या है, उसका मतलब क्या है, यीशु ईश्वर बचाएगा। इसीलिए ओ यीशु नाम ले लो। हमारे भजन है यीशु 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 नाम पावन नाम यीशु नाम मुक्ति नाम यीशु। सिर्फ वो नाम लेने से हमें मुक्ति मिलता है, क्योंकि वो नाम का मतलब क्या है, ईश्वर बचाता है, गॉड सेव्स। तो उसमें दो बात हैं, एक ईश्वर यीशु भगवान है, ईश्वर है, ही इज गॉड, सबके मालिक यीशु भगवान, उसको धन्यवाद जो दिल का मेहमान, थर कलकन मस्त मगन नाम सुमर ले, कमन धर कलकन मस्त, सब मिलकर धर कलकन मस्त मगन नाम सुमर ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले, बुला के प्यार से दिल में बसा ले, अरे यीशु को पास बुला ले, बुला के प्यार से। तो क्या होगा, प्रभु यीशु हमारे दिल में आने से तूने हमारे अपराधों, हमें हम अपराधियों को मोचित किया है, तूने हमारी बुद्धि को आलोकित किया है, बुद्धि हमारे ज्ञान, हमारा ज्ञान में जो कुछ भी बुराई था वो अभी नहीं कर सकता है, वो बुराइयों को निकाल कर हमारे बुद्धि आलोकित हुआ है। और क्या मिला, शत्रुओं को पराजित किया। कौन है हमारा शत्रु, शैतान और हमारा पापमय अवस्था, वो सब शत्रुओं को पराजित किया और हमारे दुर्बल स्वभाव को अपनी प्रचुर कृपा से अलंकित किया है। एक कृपा मतलब क्या है, कृपा 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 का मतलब क्या है, कृपा मतलब ये है ईश्वरीय जीवन हमारे मनुष्य जीवन पर मिलन होता है, इसके इसको बोलता है कृपा। सब लोग हाथ उठाइए, कृपा हम पर कृपा कर बोलेगा तो ईश्वर के कृपा मतलब, देखो ये लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, ये राइट हैंड ईश्वर है, ईश्वर की कृपा हमारा जीवन, ये हमारा जीवन है, ये ईश्वर का जीवन है। ईश्वर मनुष्य बन गया, ईश्वर अपना जीवन हमारा जीवन के साथ मिलाया। ऐसा कीजिए सब लोग, कृपा मतलब क्या है, ईश्वरीय जीवन हम इंसान का जीवन पर आ गया और हमारे जीवन को बदलाया। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया। और एक बार देखो, कृपा कृपा मतलब क्या है, ईश्वरीय जीवन इंसान हमारे जीवन पर आ गया। तो उसको हम अभी एक गीत का दूभ कीजिए,
जब से प्यारा यीशु आया 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 कहां पर आया? हमारे जीवन पर आया। अभी क्या हुआ हमारे जीवन को? और एक बार, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल बदल गया। हमारा जीवन को बदलाया, कौन बदलाया? कृपा कृपा कृपा। इसलिए हमारा सब प्रार्थना, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण, प्रणाम मरिया कृपा पूर्ण। सो कुमारी मरियम पर प्रभु का कृपा इतना था, कृपा पूर्ण। हम लोग पवित्र आत्मा से ग्रहण किया, पवित्र आत्मा को ग्रहण किया, नहीं तो बपतिस्मा द्वारा हमको भी वैसा ही कृपा मिला है। वो कृपा कैसे हमें क्रियाशील होता है ये सीखना चाहिए। सुबह उठकर थोड़ा सा प्रार्थना करना चाहिए, हे प्रभु आज का दिन तुम्हारा कृपा नहीं मिलेगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता। कृपा ओके जब से प्यारा गाइए। जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल बदल गया। ओके अभी प्रभु ने सुसमाचार का शुरुआत में अपने चेलों को चुना। चुनने के बाद क्या किया? देखो लूकस का सुसमाचार में अध्याय 9, लूकस का सुसमाचार अध्याय 9। बाइबल नहीं है, बाइबल निकालिए, बाइबल निकाल कर पढ़िए। ईसा ने अध्याय 9, लूकस का सुसमाचार अध्याय 9 1 से लेकर, ईसा ने 12 को बुलाकर उन्होंने सब अब्दुदों पर सामर्थ्य तथा अधिकार दिया और रोगों को दूर करने की शक्ति प्रदान की। तब ईसा ने उन्हें ईश्वर के राज का सुसमाचार सुनाने और बीमारी को चंगा करने भेजा 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 मतलब उसको भेज दिया, जाओ अधिकार दिया। तो इस 3 वाक्य में हम देखना चाहिए, सबसे पहले उन्होंने बुलाया, उसको बोलता है बुलावा बुलावा। हम सबों को बुलाया है, किसके लिए बुलाया है? सुसमाचार का प्रचार के लिए। जाओ जाओ सुसमाचार प्रचार के। लेकिन उसके बीच में प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने क्या किया? अभी समझो कि एक एक कारपेंडर, कारपेंडर को क्या बोलता है? कारपेंडर कारपेंडर को हिंदी क्या है? बड़ाई है, हाँ बड़ाई है। ओम क्या के प्रभु ईसा एक कारपेंडर था, एक बड़ा है। और एक बार बोलिए कैसे? हाँ ओके, कारपेंडर जो बड़ा है उसको हम बुलाता है, अरे भाई एक 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 टेबल बनाने का है। हाँ मैं बनाता हूँ, मैं बना देता हूँ। कैसे बनाएगा? हो उसके पास कुछ होना चाहिए ना, उसको क्या बोलता है? उसके पास क्या होना चाहिए?